लोग कहते हैं पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल रास्ता है, बहुत ही कठिन रास्ता है, कैसे पैसा कमाएं। लेकिन आज मैं आपको कहती हूँ कि पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा सरल रास्ता है, अगर आप जो काम कर रहे हो उसे अपने पूरे लगन से कर रहे हो, बिना रुके कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो आपके पास लाखों करोड़ों पैसा आ जाएंगे। पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप जहाँ कहीं भी खुश रहिए। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज हम सीखते हैं एंड फिलोसफी। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने चींटियाँ तो देखी होगी, वो ज़्यादातर गर्मी में निकलती है। अगर आप कहीं चींटी देखते हो तो उसे एकदम गौर से देखना, वो एकदम डिसिप्लिन में, लाइन में चलती है, ना एक इधर ना एक उधर, एकदम लाइन में चलते हैं। और अगर आप उनके लाइन में अपना उंगली रख दिए तो वो रास्ता चेंज कर देती हैं। आगे उंगली रख दिए तो वहाँ भी अपना रास्ता चेंज कर देंगे। अगर आपने बीच में पेन रख दिया तो वो पेन के ऊपर से निकल जाएंगे। आप चाहे कितना भी ताकत लगा दो, कितना भी दिमाग लगा दो, लेकिन आप चींटी को रोक ही नहीं सकते। सिर्फ एक सूरत में चींटी को रोक सकते हो, जब आप चींटी को मार देते हो। तो दोस्तों, जब हम एक चींटी को नहीं रोक सकते, ना वो किसी के रोके में रुकती है, तो किसकी इतनी हिम्मत है कि आपको कोई रोक दे। जब कोई एक छोटी सी चींटी को नहीं रोक सकते, तो कैसे कोई मेरे को और आपको रोक सकता है। बहुत लोग बोलते हैं किसी ने बीच में अड़ंगा डाल दिया, तो भाई लोग तो बीच में अड़ंगा डालेंगे ही, आपको रोकेंगे ही, लेकिन हमें रुकना नहीं है। चाहे वो कोई पीछे पड़ जाए कि तू ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, लेकिन हमें उसे करके दिखाना है। टीचर ने बच्चे को लेसन सुनाने के लिए खड़ा किया। बच्चा खड़ा हुआ, सिर्फ दो लाइन पढ़ा, टीचर ने बोला सिट डाउन। बच्चा हिम्मत करके फिर से पढ़ना शुरू किया, टीचर ने बोला सिट डाउन। बच्चा डर गया और बैठ गया। अब टीचर ने दूसरे बच्चे को खड़ा किया, बच्चा खड़ा हुआ और पढ़ने लगा, लेसन सुनाने लगा। टीचर ने बोला सिट डाउन, बच्चा नहीं माना। टीचर ने कहा सिट डाउन, बच्चा नहीं माना। टीचर ने कहा सिट डाउन, बच्चा नहीं माना। टीचर ने कहा सिट डाउन, बच्चा तभी माना जब वो पूरा लेसन ख़त्म कर लिया। तब टीचर बोलता है यार तूने तो कमाल कर दिया। तब वो पहले वाला बच्चा बोलता है मैं भी तो यही पढ़ रहा था। तब टीचर बोलता है तेरे पढ़ने में और इसके पढ़ने में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कि तू डर डर के पढ़ रहा था और मेरे कहने पर, मेरे रोकने पर रुक गया, लेकिन ये बिना डरे पढ़ रहा था और मेरे रोकने पर भी नहीं रुका, क्योंकि इसे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। वर्ल्ड विल ऑलवेज से नॉट टू यू। दुनिया तो आपको रोकेगी ही, लोग बोलेंगे ही कि तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मैं ये करूँगा तो करूँगा, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो वही लोग आगे आपके लिए ताली बजाएंगे और बोलेंगे वाह यार तू तो कमाल कर दिया, हमारे रोकने पर भी नहीं रुका और करता गया करता गया करता गया। जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ जाने से पहले आपको नहीं रुकना है, मतलब जहाँ जो आपका सपना है वो सपना पूरा करने से पहले आपको नहीं रुकना है। दूसरा, एंड थिंक विंटर आल समर, एंड थिंक विंटर आल समर। चींटियाँ गर्मी में ही विंटर के बारे में सोचने लगती है, ठंडी के बारे में सोचने लगती है कि अगर ठंडी आ गया तो हम अपने घर से, अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो बेटर यही होगा कि हम गर्मी में ही अपना खाना इकट्ठा कर लें। और तीसरा बात, तीसरा सीख ये है कि चींटियाँ ठंडी में ही गर्मी के बारे में सोचने लगती है कि तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी ही गर्मी आएगी और हम अपने घर से बाहर निकल के घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। चींटियाँ से एक चौथा सीख कि एक चींटी गर्मी में कितना खाना इकट्ठा कर लेती है, एक चींटी गर्मी में कितना खाना इकट्ठा कर लेती है। तो आंसर ये है कि जितना वो गर्मी में खाना इकट्ठा कर सकते हैं उतना वो कर लेती है। तो चींटियाँ से हमें चार चीज़ें, चार सीख मिली। क्या है? कि हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले हमें रुकना नहीं है, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है और हमें अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, मतलब पॉजिटिव सोचना है अपने फ्यूचर के बारे में। और चौथा है कि हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।